हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली, आज मेरे पास खड़ी हुई है प्लेटिना 110 सीसी वाली, सादा वाली भाई। तो इसकी क्या प्राइस है, क्या माइलेज, सब कुछ बात करेंगे, बने रहेगा आगे तक वीडियो में। और PS7 में क्या चेंजमेंट हुआ वो भी बताएंगे। तो आगे तक वीडियो को लाइक से कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो फटाफट, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, ये है BS7 मॉडल प्लेटिना 110 सीसी। तो भाई, फ्रंट लुक से बात करते हैं, जो कि फ्रंट लुक का भाई, इसका आगे से ब्लैक विंडशील्ड ग्लास मिल जाता है ट्रांसपेरेंट में, LED टीयर लाइट मिलती है यहाँ पे, और आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाती है, नीचे नंबर प्लेट दी जगह यूनिक टाइप के आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं, साइड में आपको यहाँ पे ग्रेफिक्स दी गई है जो कि रेड और व्हाइट की कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये कलर आपको कैसा लगे आप बताना नीचे कमेंट्स में। नीचे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, नीचे आपको मडगार्ड ग्लोसिबिनेस में ब्लैक कलर का, साइड में आपको स्टीयरिंग दी गई है, और जो इसका जो टायर है भाई, जो है ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, यूनिक टाइप के आपके अवेलेबल है। ट्यूबलेस टायर के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है इसका टायर साइज, जो कि भाई 80x70 के मिल जाता है यहाँ पे भाई इसका टायर। और ये कुछ ऐसा सीन, आप इस साइड की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे भी आपको दी गई ग्राफिक्स, उसके बाद यहाँ पे एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का यहाँ पे दिया गया, रिफ्लेक्टर वगैरह आपको दोनों साइड मिल जाते हैं, लेग गार्ड कुछ इस टाइप का मिलता है। इसका जो इंजन है भाई 110 सीसी का मिल जाता है यहाँ पे, और सिंगल प्लग मिलता है, जो कि BS7 में भाई यही अपडेट आया, पहले दो प्लग आते थे, अब सिंगल प्लग आता है, उसकी जगह पे यहाँ पे एक एयर कूल्ड वाला आपको ऐड कर दिया गया। तो ये कुछ कहानी, और यहाँ पे पूरा ही ऑल ब्लैक है, टी पॉइंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है पेट्रोल अपना ऑफ करने के लिए। 5 गियर की बाइक नहीं है ये, 4 गियर की बाइक मिलती है भाई 110 सीसी में। नीचे साइड कट ऑफ सेंसर का फीचर मिल जाता है, और ये बजाज का कुछ पूरा ऑल ब्लैक। तो भाई ये हो गई। अब टैंक साइज की अगर बात कर दे, तो प्लेटिना की ब्रांडिंग यहाँ पे गोल्डन में दी गई है, ग्रेफिक्स कुछ ऐसी दी गई है, 11 लीटर का टैंक मिलता है आपका। और इस साइड की अगर बात करते हो, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाती है व्हाइट और रेड की कॉम्बिनेशन में पूरी ग्राफिक्स दी गई है आपकी यहाँ पे पूरा भाई। नीचे आपका ये कुछ टाइप का चैन कवर फाइबर का मिल जाता है यहाँ पे, फोटोस्ट वगैरह कुछ इस टाइप के दिए गए हैं। पीछे का एडजस्टेबल गोल्डन स्प्रिंग के साथ में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, और सेडी गार्ड वगैरह सब कुछ लगा हुआ मिलता है। तो ये होगी इस सेट प्रोफाइल की बात। सीट काफ़ी कंफर्ट वाली मिल जाती है आपको, बढ़िया वाली लेदर टैंक पैड भी यहाँ पे आपको दिया गया कुछ इस टाइप का। तो भाई ये है बात कहानी, अब यहीं से बात कर लेते हैं भाई मीटर कंसोल की भी। तो मीटर कंसोल भाई आपको दिखा देते हैं, कुछ ऐसा है इसका एनालॉग, पूरा एनालॉग मिलता है, जो कि 100 सीसी का आपने मीटर देखा होगा, वही वाला मीटर आपको मिलता है यहाँ पे। लो बीम हाई बीम सारा बटन दिया गया है, सेल्फ स्टार्ट किक स्टार्ट ग्रिल वगैरह यहाँ पे मिरर कुछ इस टाइप के दिए गए हैं। तो भाई कुछ ऐसा है, सेल्फ स्टार्ट बाइक है, किक स्टार्ट दोनों में, ये विदाउट डिस्क वेरियंट है। तो आपको अब दूसरी साइड ले चलते हैं, दूसरी साइड दिखाते हैं आपको। इस साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो सिंगल हॉर्न आपको देखने को मिलेगा भाई, और इस साइड भी आपको प्लेटिना गोल्डन की देखने को मिलेगी स्टिकरिंग, और ब्रेकिंग आपकी कुछ इस टाइप की दी गई है, सेल्फ स्टार्ट किक स्टार्ट दोनों वेरियंट में आता है। यहाँ पे दो प्लग भाई हटा दिया गया है, पहले प्लग आता था यहाँ पे डबल प्लग, अब सिंगल प्लग ये एयर कूल्ड का यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो भाई ये है OBD2 E20 मॉडल, और कुछ इस टाइप का आपको एग्जॉस्ट फ्रॉम फेस का दिया गया है भाई। यहाँ पे भी सेम साइड की प्रोफाइल सेम ही है भाई, यहाँ से आपको लॉक चाबी से आप ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का ये कहानी है इस साइड की प्रोफाइल की। अब पीछे से आपको दिखाते हैं भाई, ये है भाई पीछे का लुक। तो इसकी ब्लैक कलर में हैंड ग्रिप दी गई है, कम्फर्ट है की ब्रांडिंग है यहाँ पे भाई, और पीछे भी KLM ऐसी दी गई है पीछे तो वही प्लेटिना 100 सीसी वाला लुक है, और 110 की ब्रांडिंग दी गई है यहाँ पे। और पीछे की अगर टायर की बात करते हैं, तो भाई टायर पीछे का मिलता है 80x170 का टायर मिलता है, सेम आगे पीछे दोनों टायर मिलते हैं ट्यूबलेस टायर, ब्लैक पूरा आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये है भाई पीछे की कहानी, देख लो। इस साइड भी आपको 110 की ब्रांडिंग मिलेगी कम्फर्ट डेक की, तो पूरी गाड़ी ये कुछ ऐसी कहानी इसकी। अब बात करते हैं इसके भाई माइलेज की, तो माइलेज इसका जो निकल गया था वो है भाई 70+ माइलेज दे देती है 110 वेरिएंट में। 110 में आपको एक डिस्क वेरिएंट भी आता है ABS वाली, तो उसकी प्राइस अलग है और इसकी प्राइस अलग है। तो इसकी जो प्राइस निकल गया आती है वो है भाई 90,000 रुपये इसकी प्राइस है। ऑन रोड A20 मॉडल देखो, BS7 भाई नया मॉडल है, और इसका जो भाई माइलेज आपको बता दिया, इसकी जो प्राइस है भाई वो हमने आपको बता दी 90,000 रुपये के आसपास है, 1-2 हज़ार रुपये का अंतर मिलेगा आपको। तो ये होगी ऑल ओवर, आप बताओ नीचे कमेंट्स में आपको कैसी ये बाइक लगी,
खरीदनी चाहिए नहीं चाहिए वो नीचे कमेंट में बताना। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो करना आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। फटाफट मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।